हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन वाला यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग नेटवर्किंग के टॉपिक्स हम लोग देखे। अब हम लोगों का कुछ टॉपिक बच जा रहा है, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंटरनेट और इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है, और नेटवर्क टोपोलॉजी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है, इस पे हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी के अंदर एकदम नहीं हम घुसेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वाईफाई टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो वो हम लोग देखते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब ये है कि ऊपर से व्यू करें। जब अपन ऊपर से देखते हैं तो बहुत अंदर अंदर के डेप्थ में नहीं जाते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली? वायरलेस या वाईफाई का फुल फॉर्म ये होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो वायरलेस अगर जैसे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वायरलेस बेसिकली ये वायरलेस नेटवर्क को कहा जाता है। अगर नेटवर्क बन रहा है डिवाइसेस के बीच में वायरलेस, बिल्कुल विदाउट वायर, उसी को हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी इज अ व्हेन वायरलेस कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, ओके। दूसरी बात, क्या ये वाईफाई टेक्नोलॉजी पूरी ठीक है वायरलेस तो है, लेकिन वायरलेस तो हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, दूर दूर तक हम लोग आवाज, जो कोई इंसान दूर में है उसकी भी आवाज आ जाती है। तो क्या वाईफाई टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्योरली वायरलेस है? तो नहीं, वायरलेस एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर वाईफाई टेक्नोलॉजी आता है। तो लेकिन वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, इज अ वायरलेस नेटवर्क बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन अ लिमिटेड एरिया। इसको याद रखिएगा, ये एक लिमिटेड एरिया में ही है। जैसे कि स्कूल्स हो गया, ऑफिस हो गए, बिल्डिंग हो गई, कहीं पे भी पास में है तो वो वाईफाई, उसको वाईफाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए, वायरलेस नेटवर्क तो है, ठीक है, दो या दो से अधिक डिवाइसेस भी है, लिमिटेड एरिया में भी है, लेकिन क्या जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं क्या? अगर हम लोग वायरलेस में ही बात कर रहे हैं तो कोई भी फ्रीक्वेंसी में हम लोग भेज सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड की हुई है, और दो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्टैंडर्ड का काम करती हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करती हैं वायरलेस लैन को। टू पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट वायरलेस लैन, और वो दो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी IEEE है और एक है ETSI। ठीक है, IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, और ETSI का होता है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे संस्था है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि किस फ्रीक्वेंसी में हम लोग ये वायरलेस नेटवर्क करें, तब जाके वाईफाई टेक्नोलॉजी होगा। तो देखिए, IEEE का जो स्टैंडर्ड है, एक्चुअली हर स्टैंडर्ड का एक नाम होता है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड का ISO नाम होता है, ISO 2001 ISO 8001, तो अलग अलग नाम होता है। वैसे इसका भी जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसका एक नाम है, तो IEEE ने उसको नाम दिया 802.11। ये इसका नाम है। अगर IEEE 802.11 अगर सर्च करेंगे कहीं पे भी, तो आपको डायरेक्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में मिल जाएगा। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी नथिंग बट IEEE 802.11। ठीक है, ये किस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है? ये काम करती है 2.4 GHz एंड 5 GHz। ये दोनों बैंड है, फ्रीक्वेंसी के बैंड है। इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड के लिए 802.11 में।
ETSI जो कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये कर दी है हाइपर लैन दी है नाम, ठीक है, हाइपर लैन, एक तो टाइप वन है एंड टाइप टू इसका, ठीक। और ये दोनों 5 गीगाहर्ट्ज के लिए ही करती है, 5 गीगाहर्ट्ज ओनली। हाँ, तो ये आपका दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो कि सपोर्ट करते हैं वायरलेस लैन को किस किस फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद देखिए इसमें कुछ तो फीचर्स होंगी वाईफाई टेक्नोलॉजी की, तभी तो हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए फीचर्स तो यही अच्छी है वाईफाई टेक्नोलॉजी की, फीचर ये अच्छी है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होता है, मतलब कि आप इधर उधर अपने उसको घूम सकते हैं। अगर ये वायर्ड होता, अगर ये टेक्नोलॉजी वायर्ड, पहले जो वायर थी, तो क्या हम लोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी क्या कि हम लोग अपने जो डिवाइसेस है उसको कहीं भी लेके जाए। तो सबसे पहला जो फीचर है वो फ्लेक्सिबिलिटी का आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब ये। और दूसरी आप एक तो कहीं भी ले जा सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज की भी है कि आप कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। एक बार आपकी वाईफाई टेक्नोलॉजी सेटअप हुई, ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ, नेटवर्क कम्युनिकेशन हुआ, तो उसमें अगर आपको किसी और को भी अपना डेटा भेजना है तो वो भी उस टेक्नोलॉजी उस नेटवर्क में इंसर्ट हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड मोर डिवाइसेस, इसमें ज्यादा डिवाइसेस को ऐड करने की फैसिलिटी है, ठीक है। दूसरी बात रोबस्टनेस, ये रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूती, तो रोबस्टनेस टू एक्सटर्नल कंडीशन, ये रोबस्ट होता है एक्सटर्नल कंडीशन से, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं तो फिर ये वाईफाई टेक्नोलॉजी पूरी वो होती है, खराब हो जाती है, अदरवाइज छोटे छोटे एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से वायर का इफेक्ट पड़ सकता है, बट वायरलेस इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और तीसरा होता है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी बहुत अच्छी होते हैं, वही मैंने जैसे पहले बताया फ्लेक्सिबिलिटी जैसा, कि मोबिलिटी मतलब आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, मूव करने की एबिलिटी इज मोबिलिटी, ठीक है। तो यूजर्स कैन मूव अराउंड द एनवायरनमेंट विदाउट लूजिंग कनेक्शन, अपना कनेक्शन लूज करने से पहले। अच्छा, इसकी कुछ खामियां भी होंगी, ठीक है। अगर हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी को ओवरव्यू देख रहे हैं तो हम लोगों को इसकी डिसएडवांटेज भी देखना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। डिसएडवांटेज में ये है कि देखिए जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो लो होती है, अगर आप वायर की बात वायर से कंपेयर करें तो ट्रांसमिशन क्वालिटी इज लो, क्योंकि देखिए वायर से अगर सिग्नल जाता है तो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता है और सिग्नल का स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, वो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आप वायरलेस भेजते हो, एनवायरमेंट में भेजते हो, तो नॉइज फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल प्ले करता है और आपकी जो ट्रांसमिशन की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायरलेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इंक्रीज वायरलेस इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक है। और तीसरी बात, अगर वायर्ड है तो बिल्कुल सेफली जा रहा है, उसको बीच में कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये वायरलेस आ रहा है तो कोई भी आपके इंफॉर्मेशन को अगर उसको डीकोड कर सकता है, तो यहाँ पे लेस सेफ्टी होती है, लेस सेफ्टी एंड सेफ्टी ड्यू टू इंटरसेप्शन, मतलब कोई बीच में आ गया, ठीक है, इंटरसेप्ट कर दिया। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं, फीचर्स हैं। अच्छा, अब ये वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज कहाँ होती है? वाईफाई टेक्नोलॉजी वैसे आप सभी लोग यूज करते हैं इसको, तो इसका अगर यूज देखा जाए तो लैन एक्सटेंशन, पहला तो लैन एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि देखिए आप लैन, एक लैन क्या होता है, एक ऑफिस या एक लिमिटेड एरिया के अंदर में ही आप उसमें वर्क करते रहते हैं, उसमें एक्सेस होता है, ठीक है। तो अगर उसका एक्सटेंशन करना है तो आप लैन के आगे आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं, जो वायर उसको ट्रांसमिट कर रहा है उसको और एक्सटेंड कर दे, तो जहां जहां पे आपका वायर या लैन की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाती है, फिर वहां सबको अगर एक्सटेंड करना है तो वहां पे आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका अगर एप्लीकेशन देखना है तो क्रॉस ब्रीडिंग इंटरकनेक्ट, ठीक है, अगर दूसरे दूसरे बिल्डिंग से अपन को इंटरकनेक्ट करना है और हमारी वायर्ड से नहीं पहुंच पा रही है अलग अलग बिल्डिंग में, तो आप बिल्कुल वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं जिससे क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तीसरा एडहॉक नेटवर्किंग, ये है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, तो कहीं पे आपको परमानेंट नेटवर्क नहीं चाहिए, ठीक है। परमानेंट के लिए क्या है, बकायदा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप वायर खरीद के लाते हो और पूरा वायर कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेम्पररी करना है तो तुरंत तुरंत एस्टेब्लिश करो नेटवर्क, काम करो और खत्म करो, तो एडहॉक नेटवर्किंग के लिए वायरलेस वाईफाई टेक्नोलॉजी बहुत काम करे। चौथा पॉइंट है नोमैडिक एक्सेस, नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु, नोमैड्स, ठीक है, तो नोमैडिक एक्सेस, अगर जो मतलब जैसे मोबिलिटी की बात की, अगर इधर उधर एबिलिटी है मूव करने की, तो ये नोमैडिक एक्सेस बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ एक जगह फिक्स नहीं हो, कहीं पे भी आप एक्सेस कर पा रहे हो वो उसके नेटवर्क को, तो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस वाईफाई टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए या इस वायरलेस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, क्या क्या डिवाइसेस लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाईफाई टेक्नोलॉजी के लिए इक्विपमेंट की अगर बात की जाए, इक्विपमेंट, तो आपके पास सबसे पहला जो इक्विपमेंट आपको जरूरी रहता है इस वाईफाई टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो है आपका नेटवर्क अडाप्टर। ऑब्वियसली नेटवर्क अडाप्टर की जरूरत तो वही, आप लोग अगर अपने लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आजकल इन बिल्ट नेटवर्क अडाप्टर होता है, मौजूद होता है, इसीलिए आप जब वाईफाई कहीं से आता है तो वो तुरंत उसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो नेटवर्क अडाप्टर ये चाहे इंटरनल हो, ये आप इंटरनल भी रख सकते हैं, और किसी के लैपटॉप में अगर नेटवर्क अडाप्टर नहीं है तो बाहर से वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए एक अडाप्टर लगाता है, उसको एक्सटर्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल नेटवर्क अडाप्टर हो सकता है और एक्सटर्नल नेटवर्क अडाप्टर हो सकता है। ये नेटवर्क अडाप्टर करता क्या है, ये सिर्फ वायरलेस कनेक्टिविटी आपको देता है कि आप उसके थ्रू अडाप्टर के थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी हो पाए, ठीक है। आजकल सभी लैपटॉप में ये प्री इनबिल्ट इंस्टॉल्ड होकर आता है, ठीक है, और अगर नहीं आता तो यूएसबी कनेक्टर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो पीसीआई होता है, ठीक है, पेरिफेरल कनेक्ट, जो पेरिफेरल कनेक्शन वाला जो सेगमेंट होता है, वहां पे आप नेटवर्क अडाप्टर लगा सकते हैं जिससे आपको वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर और इक्विपमेंट की बात की जाए तो हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, दो पूरे लेक्चर में कंप्लीट किए, वो सारे आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपको वायरलेस स्विच मदद करता है, ठीक है, आप वायरलेस आप क्या हब बोल सकते हैं, ठीक है, आप या फिर हब के बजाय राउटर्स, ठीक है, वायरलेस आप ब्रिज, वायरलेस रिपीटर्स, तो ये सारे नेटवर्क जो इक्विपमेंट है वो यूज होते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये अभी और इसका ये बचा हुआ है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है, और एक होता है आपका एडहॉक। तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी के दो टाइप, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है, वायरलेस लैन, वाईफाई टेक्नोलॉजी को ही वायरलेस लैन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए लैन एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है और वायरलेस है, इसलिए वाईफाई टेक्नोलॉजी को वायरलेस लैन भी कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लैन, और एक होता है एडहॉक नेटवर्किंग, एडहॉक नेटवर्क,
बेस्ड वायरलेस लैन, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये इसमें काम कैसे करता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लैन, नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, देखिए इसमें जैसे स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं, ये होते हैं स्विचेस, राउटर्स, ठीक है, ये सब कनेक्टेड होते हैं एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये करता क्या है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसमें एक एंटीना होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जो भी इसके पास डेटा आया उसको ट्रांसमिट कर दिया, और फिर ये ट्रांसमिट होता है, रिसीव कौन करता है, रिसीव आपके अलग अलग जो डिवाइसेस हैं कनेक्ट हैं आपके नेटवर्क में, वो सारे इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, वायरलेस आपके क्लाइंट हो गए, क्लाइंट, ठीक है, ये क्या हो गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये क्या हो गया आपके जो पूरे नेटवर्क में इसको इस नेटवर्क को फैलाने में जो मदद करते हैं बीच में, वो होते हैं स्विचेस, राउटर्स वगैरह, ओके। या फिर इसको अपन कह सकते हैं इसमें सर्वर्स भी होते हैं कि आप सर्वर से डेटा ले रहे हो, फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट से उसको ट्रांसमिट कर रहे हो। अगर एडहॉक नेटवर्किंग की बात करें तो एडहॉक तुरंत होता है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखता इसमें, जैसे आपका नेटवर्किंग डिवाइस है उसको अगर एक दूसरे से कनेक्ट करना है, एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट करना है, तो ये आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, इसको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया आपका एडहॉक नेटवर्क बेस्ड वायरलेस लैन, पर ये ओके। अब इसके अंदर जाते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें जो देखिए दो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो टाइप है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क, ये सब एक दूसरे से वायरलेस एक्सेस पॉइंट से वायरलेस के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो चीजें हैं डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट है वायर्ड से, तो वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड टू अदर वायरलाइन नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अदर वायरलाइन नेटवर्क, ये इसका मेन थीम है, ठीक। इसमें होते क्या है, इसमें होते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट WAP, ये कहाँ पे होते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं बाउंड्री पे, मतलब कि देखिए ये सर्वर है, स्विच है, राउटर है, ये अगर अपना वायर के थ्रू जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक वो पहुंचते हैं, लेकिन अपने डिवाइसेस तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसको एक बाउंड्री तक रखा जाता है कि जहां तक वो पहुंच पाए, फिर वहां से वो ट्रांसमिट करने के लग गया डेटा को, तो मैक्सिमम हम लोग जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका जो रेंज है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसलिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एग्जिस्ट एट द बाउंड्री, ठीक है, एग्जिस्ट एट द बाउंड्री लेवल ऑफ वायरलेस टर्मिनल, वायरलेस टर्मिनल के बाउंड्री पे ये एग्जिस्ट करता है, ओके। और इसमें डेटा ट्रांसमिशन किसके बीच में होता है, डेटा ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखें डेटा ट्रांसमिशन, तो वायरलेस क्लाइंट जो वायरलेस डिवाइसेस हैं उनके बीच में और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है। और अगर इधर देखें तो डेटा ट्रांसमिट एक्चुअली इसमें सर्वर राउटर से डेटा आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिशन जो क्लाइंट तक पहुंच पा रहा है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर किया जाए वायरलेस एक्सेस पॉइंट को, तो एक सेलुलर स्टेशन होता है, जैसे कि अपन मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी सेल बेस्ड होता है, सेलुलर ऐसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये सब आपके जो पूरा है, जैसे मान लीजिए एरिया है, वो एरिया को ऐसा हेक्सागोनल शेप में बांट दिया जाता है, इसलिए बांटा जाता है हेक्सागोनल में ताकि मैक्सिमम एरिया यूटिलाइज हो सके। इसमें एक एंटीना लगाया जाता है जो कि जैसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो गया, ये सब ट्रांसमिट करता है डेटा को अलग अलग, ठीक है। तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक्ट एज अ बेस स्टेशन, इसको बेस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, बेस स्टेशन। बेस स्टेशन इन सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन में जो बेस स्टेशन की तरह काम करता है, वैसे ही वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जो कि ये वाईफाई टेक्नोलॉजी या वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी में वैसे ही काम करता है। इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉट फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो ठीक है, ये तो वायरलेस है, लेकिन ये तो करने का ही वायर है, जहां वायर आएगा वहां पे ये वाला प्रॉब्लम तो आएगा ही कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, आप इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर सकते, जहां वायरलेस एक्सेस पॉइंट फिक्स्ड है वहां फिक्स्ड है। तो और अगर हम लोग इसकी बात करें एडहॉक वायरलेस नेटवर्क की बात करें, तो एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में ऐसा ये होता है कि जो
एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड नेटवर्क, कोई भी फिक्स्ड नेटवर्क पोर्ट नहीं होता आपके एडहॉक नेटवर्किंग में, कोई भी वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता इसमें। ये तब तक कनेक्टेड रहता है जब तक आप इसके रेंज में रहते हो। जब ये डिवाइस इसके रेंज से बाहर जाएगा तब वो डिवाइस उससे कनेक्टेड नहीं है। तो ठीक है, तो ये रिमेन्स कनेक्टेड इफ पुट इन कम्युनिकेशन रेंज। ठीक है, कम्युनिकेशन रेंज में जब तक है तब तक वो कनेक्टेड रहेगा। इसका रेंज बढ़ाया भी जा सकता है इफ वायरलेस टर्मिनल्स आर एबल टू फॉरवर्ड मैसेज रिसीव फ्रॉम वन सेशन टू अदर। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप इसका कम्युनिकेशन रेंज बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने डिवाइस हैं और आप किधर उसको लेके जा रहे हो। ठीक है, आप ये मूव कर सकता है तो इसका रेंज भी बढ़ सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू मैंने बता दिया कि देखिए हम लोगों को बहुत डीप में नहीं जाना था कि वाईफाई टेक्नोलॉजी एकदम कैसे काम करता है, लेकिन ओवरव्यू देखना था। तो हम लोगों ने इसका दो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन देखे, इसके फीचर्स देखे, इसके एडवांटेज देखे, इसके डिसएडवांटेज देखे, इसके एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, उसके दो टाइप होते हैं वो देखे, नेटवर्क के इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के लिए वो देखे। तो ये एक ओवरव्यू आपका हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे ही ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।